मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है। मेरा नाम नेहा कुमारी है। मेरा नाम सुबोध कुमार है। आज मैं गांव पर इंटरव्यू दूंगी। आज मैं नेहा जी से गांव पर इंटरव्यू लूंगी। तो गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग नेहा जी, आप कैसे हैं? हम ठीक है सर, आप बताइए। आप गांव में कितने दिनों से रह रहे हैं नेहा जी? सर मैं गांव में 3 साल से रह रही हूँ। तो 3 साल में आपने गाँव में क्या देखा? सर मैं 3 साल से गांव में देखे कि गांव के लोग बहुत मेहनती होते हैं और गांव में छोटी छोटी बस्तियां होती है, गांव का जनसंख्या भी बहुत कम होता है और गांव में बिजली भी बहुत ही कम आती है। गांव का लोग अधिकतर क्या करते हैं नेहा जी? सर गांव के लोग तो अधिकतर ही खेती करते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जिनका अपना बिजनेस होता है। और गांव के जो लोग हैं वो कितना प्रतिशत अभी होंगे मजदूर? मजदूर हमको तो लगता है मतलब 100% में 80% तो मजदूर होंगे। और यहाँ पे अपने काम पर निर्भर कितने लोग रहते हैं? अपने काम पर निर्भर तो बहुत लोग होते हैं, बहुत कम ही लोग होते हैं जिनका अपना बिजनेस होता है। ऐसे सारा तो अपने ही काम पे होते हैं, खेती यानी अधिकतर यानी कि कृषि होता है जी। क्या क्या फसल लगा लेते हैं जैसे में गांव में? जैसे हमारे गांव में तो बहुत सारा फसल लग जाता है। अभी धान का समय आ रहा है तो धान लग रहा है, गोभी का समय आता है तो गोभी लगता है, मतलब सारा फसल लग ही जाता है। और ये सभी सब्जी में टमाटर गोभी टमाटर गोभी पत्ता गोभी पत्ता गोभी ये सारी सब्जियां आपके गांव में हो जाती हैं? जी हाँ हो जाती है। और किसी गांव में आप गए हैं आज तक? नहीं हम किसी गांव में तो नहीं गए हैं। कोई बात नहीं है, मतलब अपने गांव में ही रहे? हाँ सिर्फ अपने गांव में ही रहे। सिमरिया ये सब तो गए होंगे? हाँ सिमरिया गए पर वहाँ रहे नहीं है तो हमको वहाँ के बारे में उतना पता नहीं है, पर एक दिन में नहीं ना जान सकते। अच्छा, गांव का लोगों का यहाँ पे सुविधा क्या क्या मिल जाता है? गांव के लोगों को सुविधा यहाँ पानी का सुविधा बहुत मिलता है और थोड़ा बिजली वगैरह? बिजली तो नहीं मिल पाती उतना, बहुत कम ही बिजली यहाँ आती है पर फिर भी मिल जाती है लगभग। यहाँ का जो सिंचाई करते हैं लोग यानी पानी कैसे फसल पे पटाते हैं? कुआं से। कुआं से? और यहाँ पे बोरिंग वगैरह की सुविधा है क्या? नहीं बोरिंग का तो नहीं। तो ये सुविधा सरकार को करना चाहिए या नहीं? करना तो चाहिए पर अभी तो नगर पालिका नहीं बना है हमारा गांव तो शायद नहीं हो सकता। यहाँ पे थोड़ी बहुत परेशानी है बिजली से लेकर? हाँ बिजली से लेकर, बिजली कट जाती है जिसके कारण किसान भाइयों लोग को पानी की सिंचाई करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। हाँ। तो ये सभी जब पानी पटाते होंगे तो ये मिट्टी तेल का यानी किरोसिन तेल का ही यूज करते होंगे मशीन? हाँ वो करते हैं पर अब जिस जहाँ पे हमारा खेत है वहाँ पे बिजली पहुँच चुकी है तो जब बिजली आती है तब लोग चले जाते हैं और नहीं रहती है तो फिर वो तेल से ही करते हैं। चलिए कोई बात नहीं। तो और यहाँ पे अस्पताल वगैरह का सुविधा है क्या? हमारे गांव में तो है एक अस्पताल पर मतलब अगर कोई पेशेंट होती है डिलीवरी तो सुबह होता है तो यहाँ हो जाता है पर रात होता है तो यहाँ नहीं होता है, उसे मतलब बड़े अस्पताल में ही ले जाया जाता है शहर में। प्राइवेट स्कूल है क्या इस गांव में? प्राइवेट स्कूल? हाँ छोटा मोटा है प्राइवेट स्कूल। बड़ा स्कूल? बड़ा नहीं है, बड़ा बड़ा यहाँ के बच्चे लोग को सुविधा नहीं मिल पाता है स्कूल का ना? जी सर। तो ये स्कूल के लिए तो बच्चे लोग कहाँ जाते हैं? शहर ही जाते हैं? जी शहर ही जाते। यहाँ का नजदीकी शहर क्या है? ये हजारीबाग झारखंड। हजारीबाग झारखंड, ठीक। तो हजारीबाग में बहुत सारा स्कूल मिल जाता है ना? हाँ वहाँ पे बहुत सारा स्कूल है। और कुछ कुछ सरकारी बच्चे जो होते हैं यहाँ के हाँ, सरकारी स्कूल में ही जाते हाँ, हैं? गाँव में ही पढ़ लेते हैं। कोई बात नहीं। तो गरीबी के कारण सरकारी स्कूल जाना पड़ता है इन लोग को? हाँ गरीबी के कारण ही। पर अच्छी तरह से यहाँ पे पढ़ाई हो जाता होगा सरकारी स्कूल में भी? हाँ हो जाता है पर जो प्राइवेट में होता है वो सरकारी में नहीं हो पाता है। उतना प्रेफरेंस नहीं मिल पाता है, मिलता है सरकार द्वारा प्रेफरेंस मिलता है पर यहाँ का लोग नहीं करता है, यहाँ का टीचर जो होते हैं वो केयर नहीं कर पाते। कोई बात नहीं। और क्या क्या सुविधा है आपके गाँव में? और सुविधा तो बहुत सारा है सर पर उतना हमको पता नहीं। दुकान वगैरह है क्या? दुकान तो है यहाँ बहुत। सारा चीज का दुकान मिल जाएगा आपके? नहीं सारा कुछ का तो नहीं मिल सकता है, सिर्फ छोटा एक स्टोर है और कुछ राशन का है और कुछ हम लोग को ज्यादा खरीदना पड़ता है तो फिर हम लोग को शहर ही जाना पड़ता है, यहाँ पे नहीं मिल पाता है। तो देखिए दोस्तों, आज मैं नेहा जी से इनके गाँव के बारे में इंटरव्यू ले चुका हूँ और आज ये हम लोग का पहला वीडियो था। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा
कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और कुछ गलती हुई होगी तो माफ़ कर दीजिएगा। अब नेहा जी भी कुछ बोलेंगे। गलती हुआ तो माफ़ कीजिएगा, पर आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। हम लोग का अगला वीडियो जो है लड़की का पीरियड के बारे में है, लड़की लोग शर्माती क्यों है, शर्माना चाहिए या ना शर्माना चाहिए। तो कल मेरे हम दोनों के बीच ही इंटरव्यू होगी, तो आप कमेंट में बताएं कि ये वीडियो आना चाहिए या नहीं, जागरूक लड़कियों को करना चाहिए या नहीं। नेहा जी आप बोलिए इसके बारे में, पीरियड के बारे में, लड़कियों को जागरूक करना चाहिए या नहीं। नहीं करना चाहिए, वो मैं कल बताऊंगी आप सबको कि करना चाहिए नहीं। हम मैं वीडियो बनाऊंगी तो आप सब देखिएगा ज़रूर। हम दोनों को सपोर्ट कीजिए, इसी तरह से आप सभी को इंटरव्यू मिलते रहेंगे, और भी कई इंटरव्यू होते हैं, किस तरह से लिए जाते हैं ये इंटरव्यू हम लोग का जो है आपसी इंटरव्यू है। आप लोग को अगर अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद दोस्तों, बाय। धन्यवाद।